हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और दोस्तों, अब तक मेरे पास इन प्रश्नों के साक्ष्य आ चुके हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में। जितने भी यूपी टेट 2018 प्राइमरी लेवल के विवादित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के साथ साथ उनके साक्ष्य जो भी अब तक मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और भी साक्ष्य खोजने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप सभी लोग देखें। पहला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी साक्ष्य दिया जा रहा है कि पारा शीशा कैडमियम, यानी जिसने शीशा और कैडमियम लगाया उसे भी नंबर मिले। ठीक है, लोगों ने भेजा है। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, देखिए कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब से संबंधित है। इसमें 16 से 19 वर्ष नैतिकता मान लिया है पीएनपी ने, लेकिन 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण, यहाँ पर 21 वाला बहुत लोगों का कहना है कि सही है। एक हिंदी का क्वेश्चन है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो ये तो दोस्तों साफ साफ पैराग्राफ में ही बता रहा है, अलंकरण नहीं होना चाहिए। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये एक संप्रेषण की कला है, कम्युनिकेशन की कला है। आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वही कम्युनिकेशन की एक कला है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर साक्ष्य देख सकते हैं शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों में ऐसा माना जा रहा है कि आगमन निगमन पर भी एक नंबर मिलना चाहिए, और दृश्य से अदृश्य की ओर जिन लोगों ने विकल्प लगाया है उनको भी एक नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर साक्ष्य लगाया गया है बीटीसी सेमेस्टर की पहली किताब जो आती है उसमें। आप देख सकते हैं जितनी भी शिक्षण विधियाँ उसमें आप नहीं पाएंगे दृश्य अदृश्य। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से, तो ये दोस्तों इसमें सामाजिकरण वाला ऑप्शन 8 से 10 वर्ष के लिए बात की जा रही है। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है ना। तो दोस्तों यहाँ पर लुनाई लावण्यता और आयस आदेश, इन दो चीज़ों के लिए मुहिम जारी है। इनके साक्ष्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, संप्रेषण कला क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो सामान्य और विशिष्ट छात्रों को एक साथ समावेशी कक्षा में शामिल करके शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, हालांकि इस पे नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रहिणी जो है वो शुद्ध है। ग्रहिणी और ग्रहणी दोनों शब्द शुद्ध होते हैं, दोनों के अर्थ होते हैं। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो दोस्तों इसमें संवेदी और दैहिक में, दैहिक के लिए बात की जा रही है। अलंकार के लिए इसमें रूपक और वो है। ठीक है, इसमें दृष्टि संवेदना दिया गया है, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है वो गिरोह बनाने की क्षमता, ये बीटीसी की किताब है, इसका पेज नंबर आप देख सकते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध चैप्टर में पेज नंबर 8 पर ये साक्ष्य है, तो इसमें एक नंबर आपको सॉलिड मिलेगा। गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो इसमें 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण होना चाहिए, पीएनपी को इसे सुधारना चाहिए। और समावेशी शिक्षा देख लीजिए, इसमें सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को प्रदान की जाती है, यहाँ पर इसका साक्ष्य आप देख सकते हैं, पेज नंबर 127 है। और ये साक्ष्य हो गया, ये किताब आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, कुछ लोग अरिहंत से प्रूफ लगा रहे हैं, कुछ लोग पीडी पाठक और मालती सरस्वत से, 309 पेज पर साक्ष्य है वहाँ से लगा रहे हैं। अधिगम की विशेषता, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक है असमद का क्वेश्चन पूछा है और फॉर्म जो सही दिया है वो युष्मद का दे दिया है, ये ध्यान देने वाली बात है। असमद का 6वीं विभक्ति का बहुवचन रूप है वो अस्माकम होगा, आपके ऑप्शन में युष्माकम सही कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यूपी टेट प्राइमरी में इन प्रश्नों को विवादित माना है, समावेशी कक्षा वाला, संवेग का तत्व, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं, गिरोह की अवस्था, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृत क्या है, संप्रेषण कला क्या नहीं है, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है।
पीने के लिए सुरक्षित पानी, कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता, पश अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य किसके उदाहरण है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा वाला जो है एबिंग हाउस उसमें गेट्स होना चाहिए, मेरी भवाधार और अलंकार में रूपक और श्लेष दोनों होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करें, पहिया और पखावज दोनों सही है, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता, बड़ा ऊ और ओ दोनों सही है, अस्मद शब्द का खष्ठी बहुवचन रूप जो वो दिया है वो भी गलत है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 50 ये भी गलत है, और वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। तो ये एक लिस्ट है टोटल 18 प्रश्नों की जो बच्चों को लगता है कि गलत है, इन सभी 18 प्रश्नों के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, इनके ऑब्जेक्शन कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा आप देख सकेंगे, बहुत जल्दी देख पाएंगे, ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर व्यंजन संधि, और ये देखिए इसमें बहुत सारा है, गिरोह का अवस्था वाला ये सॉलिड है, ठीक है। तो अब तक लगभग इतने साक्ष्य भेजे जा चुके हैं विद्यार्थी द्वारा, आप देख सकते हैं ये सारे साक्ष्य मेरे मोबाइल पर, तो हम इनकी एक लिस्ट बनाकर एक्सेल पर टाइप करके सारी आपत्तियाँ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साक्ष्यों का, ठीक है। तो इसकी जब एक लिस्ट बन जाएगी आपत्ति कैसे देना है मैं बताऊंगा, अब तक यही साक्ष्य एकत्रित हो पाए हैं देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, यहाँ पर शिक्षण विधियों वाले में भी जो है नंबर मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, सबसे पहले एक सटीक लिस्ट बना करके साक्ष्यों को उनके सामने डिस्पैच करके हम जो है अटैच करके पीएनपी को भेज देते हैं आपत्ति, फिर देखते हैं कितना चेंज होता है। आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चिंता बिल्कुल ना करें, एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें घंटी, जिससे आपको नंबर बढ़ने की अपडेट और कौन से क्वेश्चन भेजे गए सारी अपडेट मिलती रहें।